राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो राइट्स हैं वो क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि राइट्स के बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। जो भी चीजें हमें डेमोक्रेसी बोलती है कि मतलब जो भी फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के उनको लागू करने के लिए हमें राइट्स चाहिए। सो इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या राइट्स दे रखे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स हैं उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हर एक राइट हमें क्या बताता है। इन इंडिया लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड दीज राइट्स आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाकी दूसरी डेमोक्रेसीज की तरह ही इंडिया ने भी क्या कर रखा है, इन राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू आर लाइफ आर गिवन अ स्पेशल स्टेटस। कुछ ऐसे राइट जो कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि अगर ये चीजें वो राइट्स अगर हमें नहीं दिए जाएंगे तो हमारी लाइफ जीनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे राइट्स जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सही से जी पाए, उन राइट्स को कुछ स्पेशल स्टेटस दे रखा है। और इन स्पेशल स्टेटस वाले राइट्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। दे आर फंडामेंटल टू आर लाइफ। वी हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 2 द प्रीएम्बल टू आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चैप्टर 2 में हमने जो हमारे देश का प्रीएम्बल है उसको रीड किया था और उसके एक फीचर को बल्कि समझने की भी कोशिश की थी कि वो क्या कहता है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजंस इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस। और जब हमने प्रीएम्बल पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल क्या कहता है, वो हमें हम सबको इक्वालिटी देने की बात करता है कि हमारे जितने भी देशवासी हैं सिटीजन हैं उन सबको इक्वालिटी दी जाएगी, सबको लिबर्टी मिलेगी, एक तरीके से सबको आजादी होगी और सबको न्याय दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमारा प्रीएम्बल बोलता है। और प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल एक तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है कि प्रीएम्बल आपको एक तरीके से ये बताता है कि आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिलने वाला है। तो हमारे प्रीएम्बल में क्या लिखा है, इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस सबको मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको डिटेल में बताया गया है कि भाई किस तरीके की इक्वालिटी है, किन किन चीजों में लिबर्टी होगी, कैसे जस्टिस मिलेगा। ठीक है, वो सब डिटेल में हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। बट अभी हमें क्या देखना है कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो इन चीजों के बारे में बात करता है, इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस देने की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट्स। अब ये जो प्रॉमिस की है, जो बात प्रीएम्बल में हो रही है इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस देने की, इसको कैसे लाया जाएगा। मतलब आपने कह तो दिया, जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई ऐलान कर दे कि सबको गवर्नमेंट की ऐसी कुछ दुकानें खोली जाएंगी, कुछ ऐसे राशन शॉप खोले जाएंगे जिन दुकानों से सबको जो सामान है वो फ्री मिलेगा। मान लो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, बट क्या गवर्नमेंट तब तक फ्री में दे पाएगी जब तक वो मतलब वो दुकानें सेटअप कर ले और उसमें सामान लाके रख दे। मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे आ रही है, फंडामेंटल राइट्स की वजह से। कि हमारे प्रीएम्बल ने तो बोल दिया सबको इक्वालिटी देंगे, लिबर्टी देंगे, जस्टिस देंगे, बट कैसे देंगे, वो जरिया क्या है, वो फंडामेंटल के फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो है वो चीज दी जा रही है। तो दे आर एन इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिया के बेसिक फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर है। ठीक है, ये जो राइट्स हैं ये एक तरीके से लोगों को क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं इन सभी चीजों की। ठीक है, तो राइट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का हिस्सा, डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा राइट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर हमारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं तो वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां इन फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर लोगों को न्याय मिलता है, उनकी लाइफ बेटर होती है। यू ऑलरेडी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। तो हम पिछली जो क्लासेस हैं उनमें हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हमें पहले ही पता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो 6 हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। कैन यू रिकॉल दीज, क्या आपको याद है, अगर नहीं भी हैं तो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे ही जो राइट्स हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। व्हाट एग्जैक्टली डू दीज मीन्स, दीज राइट्स मीन,
फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन। तो एक आम आदमी के लिए इन अधिकारों का क्या मतलब है? अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि राइट्स क्या है, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है, राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है, तो आप समझ सकते हो अभी के लिए कि हाँ किसी पर्सन के लिए ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आइडिया है तो कोई बात नहीं, इनको हम डिस्कस करने ही वाले हैं एक एक करके। सो अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक करके हमारे जो राइट्स हैं वो शुरू करेंगे, और पहले राइट को डिस्कस करेंगे, राइट टू इक्वालिटी।